को अपना कृषि खेती कार्यक्रम में गुणों गुणों स्वागत है। किसान भाई, आज आप ग्राम पंचायत बीकरण के मदन जी सुतार, जो कि प्रगतिशील किसान है, इन्होंने मक्के की बुआई इस तरह की चलते हैं, इनसे खुद इनकी बुआई, इन्होंने मक्की की खेती कैसे करते हैं। सबसे पहले खेत में DAP 10 किलो 12 किलो बीघा का लिया और खेत में हाथ से छिड़काव कर दिया और खेत की जोताई की। जोताई करने के बाद में उसे ये दौरे के अंदर एक एक बीज को रख दिया। दो आदमी एक बीघा के अंदर पूरा लगा सकता है। और मैंने बाद में, बरसात कम हुई थी इसलिए दो दिन बाद में मैंने पिलाई कर दी। पिलाई करने के बाद अब ये जो पौधा है आपके सामने है, इसकी खुदाई भी हो चुकी है। आपने बीज कितना काम में लिया? बीज मैंने लिया एक थैली एक बीघा के अंदर, उसमें से बच गया था मुट्ठी पर, थोड़ा दाना बच गया था। आपने बुआई करी या फिर कैसे लगाया इन पौधे? बुआई नहीं की, एक एक दाना हाथ से डाला था, अंगुली से। कितनी कितनी दूरी रखी है आपने? दूरी रख दी मैंने 10 इंच से 12 इंच तक। और उम्र से लाइन से लाइन की दूरी? लाइन से लाइन की दूरी आती है 17-18 इंच की दूरी है। तो मदन जी, इससे क्या फ़ायदा आपको? इससे ये फ़ायदा है कि एक तो बीज हमारा जो बचत हो रही, एक बीघा में दो ठेली उड़ देते हैं, फिर ये भी नहीं होती, इसमें भी ज़्यादा गैप रह जाता है, कभी कहीं कहीं पर ज़्यादा गैप हो जाता है। अभी इसमें ज़्यादा गैप नहीं, जहाँ रखेंगे वो गैप मिलेगा। तो इससे पैदावार का फर्क पड़ेगा? पैदावार का अवश्य फर्क पड़ेगा, क्योंकि दाना बराबर है खेती के अंदर, बराबर इस ज़मीन के अंदर बराबर दाना रखा है मैंने, बराबर पौधा है, तो हर मक्का एक साइज में आएगा और बढ़िया पैदावार मिलेगी इससे। तो कितनी पैदावार मिल जाती है आपको यहाँ? ये मैं पैदावार लेता हूँ 12 क्विंटल, 10 क्विंटल, 12 क्विंटल, हमेशा 10 प्रति बीघा लेता हूँ एक बीघा के अंदर, प्रति बीघा के अंदर। तो मदन जी, अभी इसमें खाद वाद भी देते हो या? खाद देता हूँ, DAP दिया मैंने अभी, और फिर बाद में अब यूरिया दूंगा, तो 3 बार यूरिया लगाना पड़ेगा। एक बार की तो जैसे अभी पिलाई करूंगा तो इस पिलाई में दे दूंगा, और दूसरा दूंगा पिलाई के यानी कि 25-30 दिन बाद में फिर दूसरी। इसमें खरपतवार नाशी भी काम लेते हो क्या? खरपतवार नाशी इस खेत में नहीं लिया मैंने, खुदाई कर दी है। मतलब आप जैविक खेती भी करते हो? जैविक खेती भी करता हूँ सर। तो आप वर्मी कंपोस्ट बनाने में ध्यान देते हो क्या? वर्मी कंपोस्ट मैंने बनाया था और वो बनाया है, और वो केचवा नहीं, इस साल में मर गया था। तो अब मैं क्या है कि रोड़ी का खाद डालते ही ऐसे ही कर रहा हूँ, वर्मी कंपोस्ट में। तो आप दूसरे अपने क्षेत्र के किसानों को भी प्रोत्साहित करते हो, बताते हो? जरूर, देखने आते हैं किसान भी, देखने आते हैं और देखते हैं तो कहते हैं सही है कि काम ठीक। चलो धन्यवाद। और साथ ही काम कर रहा है तो उन्होंने भी ऐसे ही लगाई मक्का? ऐसा ही किया साहब, ये पास में ही खेत है, इधर पास में ही खेत है, उसमें भी ऐसा ही किया। क्या आपको क्या लगता है, किसानों को खरपतवार नाशी काम में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? खरपतवार नाशी काम में नहीं लेना चाहिए। अगर मान लो बुआई ज़्यादा कर रखी है खेत में तो पहुंचते नहीं है, तो वो सब होता ही है। जहाँ तक हम ये खरपतवार नाशी नहीं करें काम को सही, दवाई से क्या होता है, नुकसान होता है क्या? दवाई से नुकसान होता है, यानी कि पौधे की हाइट कम पड़ जाती है और पौधा जलन महसूस करता है। खेत में भी नुकसान होता है? खेत में भी नुकसान होता है सर। ठीक साहब, धन्यवाद।